सारे नूं मेरे वालों जैमसी दी मैं मेरा नाम रीता है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ और मसीह जिंदगी चैनल का भी धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने अज मैनों मौका दिता कि मैं अपने जीवन की गवाही में थोड़े अगे शेयर कर सकता थानू कुछ वचन के गलबात कर सकता मेरे जीवन की गवाही भैनों भराओ जो तुम सुनोगे तो प्रभु तुम बड़ी आशीष और बरकत देगा और इस गवाही द्वारा मेरा विश्वास है कि होर भी भैन भरावान सीखन कुछ मिलेगा हालेलुया। मेरे जीवन की गवाही है कि मैं जो 2002 साल में जो पढ़ती सी तो उस समय मेरे जीवन में एक बड़ी परेशानी आ गई जिस दे नाल मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन काफ़ी परेशानी के आ गया और उस समय भैनों के भराओ मैं पागल हो गई। पागल जो हुई तो मैं अपने आप की कोई होश नहीं थी ना ही मैं अपने परिवार की होश सी और मतलब कि किसी को मैं पहचानती नहीं सी। जो मैं पागल हुई तो उस समय साडा परिवार सारा बड़ा परेशान हो गया क्योंकि इस तो पहला मेरे जीवन में ऐसी कोई वड्डी परेशानी नहीं सी आई और ना ऐसा कोई बल्कि मेरे जीवन में कोई बीमारी आई और जो मैं पागल हुई तो उस समय साडा सारा परिवार प्रभु दे विच अच्छे तरीके नाल चलन लगा प्रार्थना करनी शुरू कर दिती। पहला मेरे मम्मी ही सिर्फ कल्ले चर्च जांदे सी और जो कल्ले चर्च जांदे सी तां मेरे भरावां नूं भी कहिंदे सी कि तुसीं चर्च चलो मैनूं भी कहिंदे सी तां ना मैं ध्यान दिंदी सी और ना ही मेरे भरा ध्यान दिंदे सी और जो मैं पागल हुई तो उस समय साडा पूरा परिवार मेरे भरा भी प्रभु की हजूरी में बैठ के मेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मेरे वास्ते प्रार्थना पूरे परिवार ने करनी शुरू कर दी। पूरा परिवार प्रभु की हजूरी में बैठ के मेरे लिए रो रो के प्रार्थना करता से और उस समय साढ़े घर में प्रभु के दास भी होंगे सी उन्होंने भी मेरे लिए पूरी मेहनत की फास्टिंग ला के प्रेयर करते रहे तो कुछ समय बाद प्रभु ने मैंने शुरू के चंगा कर दिता। हालेलुया। जो मैं ठीक हुई ता मैं समझती हाँ कि जो मैं वचन पढ़िया जबूर 119 की 71 आयत में लिखा है कि भला होया कि मैं दुखी होया ता कि तेरिया विधियां और कानूनों सीख सका। जो मैं पागल हुई तो उस समय मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया अच्छे तरीके प्रभु की महिमा करनी शुरू कर दी। मेरे जो मैं ठीक हुई उस समय मेरे दो भरावान ने बपतिस्मा लिया और उन्होंने एक मेरे भरा हूँ सेवकाई प्रभु की महिमा पूरा परिवार करता पाया है और मतलब कि पूरा परिवार हम प्रभु की महिमा करता है पूरा परिवार साडा सेवकाई है। हालेलुया। अगर मैं पागल ना होंगी अगर मैं मेरे जीवन कोई बीमारी ना होंगी तो मैं सोचती हाँ कि मेरा परिवार मेरा घराना नहीं सी बचना मेरा पूरा परिवार जिस तरीके बच गया है। भैनों के भराओ वचन जिस तरह लिखा होया है रसूलों की करतब जो अस पढ़ते हाँ 16 अध्याय और 31 आए उस जगह लिखा है उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। हालेलुया। इस जगह पे ये आयत मेरे वास्ते है कि जो मैं मतलब कि प्रभु दे विच अच्छे तरीके दे नाल आई प्रभु ने मैनू ठीक किया तो उस समय जो मैं ठीक हुई तो प्रभु ने मेरे पूरे घराने नू बचा दिता। हालेलुया। इस जगह पे असीं वाक्य वाक्य देखते हाँ कि पौलुस और सिलास जो बंदीगृह दे विच सन तो उस समय वह बंदीगृह दे विच ही रह के प्रभु की आराधना करते पे सी प्रार्थना करते पे सी और बाकी जो कैदी सी उन्होंने इस आराधना प्रार्थना सुन रहे सी और जो पौलुस और सिलास प्रभु की महिमा करते पे सी तो उस समय एक वड्डा भूचाल आया और जेल दी नीवां हिल गईयां। जो नीवां हिल गईयां तो जेल के जड़े दरवाजे से वो खुल गए और दरोगा सुता पिया सी अचानक जो उठा तो वह वेख के बड़ा परेशान होया। जो परेशान होया तो उन्हें अपने आप को तलवार लैके
अपने आप को उसने मारना चाहा, पर पौलुस ने उसको आवाज दी कि तू इस तरह ना कर, तू अपने आप का नुकसान ना कर, असि सब इत्थे हां। हालेलुया। और जिहड़ा दरोगा सी उस समय पौलुस और सिलास दे कदमी डिग गया और उन्हां नूं कहण लगा कि नवा जीवन पाउण लई मैनूं की करना पवेगा। तां पौलुस ने उन्हां कहा, तू प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास कर, तू तेरा और घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। सब तो पहला सानूं उसने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास कर, तां तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। भैणो ते भराओ, जिस तरीके नाल पौलुस और सिलास ने प्रभु यीशु मसीह दी गवाही दित्ती, दरोगा ने उस उत्ते विश्वास किया, परमेश्वर उत्ते विश्वास किया, और उसके विश्वास के द्वारा दरोगा का पूरा घराना बच गया। हालेलुया। पूरा घराना बच के प्रभु दे राज दे लई तैयार हो गया। हालेलुया। जदों असीं देखते हाँ बाइबल दे विचों सामरी स्त्री दे बारे, तां जदों सामरी स्त्री दा प्रभु यीशु मसीह दे नाल मेल होया, तां उस समय सामरी स्त्री का जीवन बदल गया। जदों सामरी स्त्री का जीवन बदलिया, तां उसने अपने पिंड विच जाके प्रभु की गवाही दित्ती, तां उसकी गवाही के द्वारा उसका पूरा घराना बच गया, उसकी गवाही के द्वारा पूरा पिंड बच गया। हालेलुया। भैणों ते भराओ, जिस तरह सामरी स्त्री का जीवन बच गया, उसका पूरा घराना बच गया, असीं देखते हाँ बाइबल विचों कई होर उदाहरण हन। कुरनेलियस बारे असीं देखते हाँ, जदों कुरनेलियस ने प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास किया, तां उसका भी पूरा घराना बच गया। इस तरीके नाल भैणों ते भराओ, जिस तरह मेरे जीवन विच भी प्रभु ने एक समा लिया, मैं प्रभु ते विश्वास किया, तां मेरा पूरा घराना बच गया। हालेलुया। मैं सोचती हाँ कि अज का समा सानू इस तरीके नाल बैठने का समा नहीं है, वेले रह के जां असी फ्री रह के मतलब कि अपने जीवन नूं बतीत करन दा समा नहीं है। भैणों ते भराओ, अज समा वा कि असी प्रभु दी हजूरी विच बैठिए, प्रभु दी हजूरी विच बैठ के अगर साडा परिवार प्रभु विच नहीं है, अगर साडा परिवार प्रभु तों दूर है, तां अगर असी एक जना ही प्रभु दी हजूरी विच बैठ जावांगे, तां साडियां प्रार्थना द्वारा साडा पूरा घराना बच जावेगा। हालेलुया। इसलिए सानूं अज जरूरत है असीं अपने पूरे परिवार लई प्रार्थना करिए, साडा पूरा घराना बच जावे और प्रभु दे राज लई तैयार हो जावे। इन्ना ही मैं तुहानूं कहिंदी होई, अज मैं सोचदी हां कि मेरी जिहड़ी गवाही है, तुहानूं मेरी गवाही तों कुछ सीखण नूं मिलिया होवेगा, जो मैं तुहाडे नाल वचन शेयर कीता है। इस वचन नूं तुसीं जरूर गौर करना कि इह वचन साडे लई किन्ना जरूरी है। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁੱਟੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।